हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है ये टॉपिक क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है, सबको ये बातें जानना चाहिए जो आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में आपको आज क्या बताने वाले हैं। स्टूडेंट, एक तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन बताने वाले हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेंट क्या होता है और मल्टीप्लायर क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी हम आपको समझाने वाले हैं, डेफिनेशन भी समझाने वाले हैं इनकी। और स्टूडेंट, जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुण होते हैं, इनमें भी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो मल्टीप्लाई करते समय जो क्रॉस के चिन्ह लगाए जाते हैं, एक क्रॉस उसके नीचे, फिर दो क्रॉस, फिर तीन क्रॉस, है ना, जो क्रॉस के चिन्ह लगाए जाते हैं, ये वाले क्रॉस के चिन्ह स्टूडेंट, ये क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है जी। तो आपको हम ये बताएंगे कि ये चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं, इसमें कहाँ से आते हैं ये चिन्ह, है ना। तो हम आपको ये भी बताएंगे स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक समझाने वाले हैं, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, और हम आपको कुछ इसमें टेबल, है ना, होते हैं ना, तो उनके मेथड बताने वाले हैं, कुछ मैजिक टेबल, कुछ रूल्स टेबल्स बनाने के, ठीक है जी। तो ये सब कुछ आज इसकी इस वीडियो में रहेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन से, जिसे हम हिंदी में गुना कहते हैं। ओके स्टूडेंट, हिंदी में क्या कहते हैं, गुना। हिंदी हम इसलिए बता देते हैं, कुछ स्टूडेंट फिफ्थ क्लास में नवोदगा जवाहर नवोदगा फॉर्म भरते हैं, तो वे हिंदी में उसे भरते हैं, तो स्टूडेंट उन्हें, ताकि उन्हें इस बात की सहूलियत रहे, जब वे जवाहर नवोदय की बुक कहीं स्टडी करें तो उन्हें वो समझ में आ जाए। तो इसलिए हम जो इंग्लिश होती है ना, उसकी हिंदी बताते हुए चलते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एक रिपीटेड एडिशन है। एडिशन का मतलब जोड़ होता है स्टूडेंट, है ना, याद रखें। जो मल्टीप्लाई होती है वो एक तरह का जोड़ होता है, लेकिन कैसा होता है, देखिए स्टूडेंट, हम आपको प्रूफ के साथ समझाएंगे। मान लीजिए हमने अभी कहा मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन, है ना। मान लीजिए कोई डिजिट आपको दे दी 3, है जी, प्लस, क्या हुआ भाई तुझे, तो स्टूडेंट मान लीजिए आपको 3 + 3 + 3 + 3 कोई भी एक डिजिट है स्टूडेंट, और आपको उसे बार बार मैनी टाइम ऐड करनी है, यानी कि आप इसे ऐड करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आप इसे कैसे ऐड करेंगे, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे ऐड करेंगे, 3 + 3 = 6 + 3 = 9 + 3 = 12 ऐसे ऐड करेंगे स्टूडेंट, करेंगे ना। तो स्टूडेंट अब आप ऐसे ऐड ना करके, अगर एक ही डिजिट बार बार आपको ऐड करनी है, तो स्टूडेंट आप कैसे ऐड कर सकते हैं, इन्हें काउंट करिए 1 2 3 4, तो 3 को कितने टाइम ऐड करना, आपको 4 टाइम ऐड करना, तो मल्टीप्लाई 3 × 3 = 4 = 12। तो स्टूडेंट इसीलिए इसे क्या आ जाता है, रिपीटेड एडिशन, है ना। तो इस प्रकार आप कोई भी गुण नंबर दिया गया है, जैसे आपको 10 दे दिया गया है, 10 + 10 + 10 + 10 + 10, ओके स्टूडेंट,
आपको ये नंबर दे दिया गया, आपको इसे ऐड करने के लिए कहा गया कि भाई इसे ऐड करिए, है ना। तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ 50 आ गया अगर आप इसे ऐड करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट अगर आप इसे मल्टीप्लाई से करना चाहते हैं तो भाई 10 है और कितने टाइम है, 5 टाइम है, 10, 5 जा 50, तो दोनों का जो आंसर है वो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है जी। इसे ही रिपीटेड एडिशन कहते हैं। कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए नंबर का और वो जितने टाइम आपको उसे ऐड करना होता है उसी उतने ही नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लीजिए हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। तो जिस संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये संख्या है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मल्टीप्लिकेंट। तो मल्टीप्लिकेंट कहते हैं स्टूडेंट इसे, ठीक है जी। अब जो नीचे जिस संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो ऊपर होती है मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लिकेंट कहलाती है और हिंदी में इसे कहते हैं स्टूडेंट गुणनीय। क्या कहते हैं, गुणनीय, यानी कि जिस डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेंट और हिंदी में गुणनीय। अब स्टूडेंट जो नीचे वाली डिजिट है ना, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर तो जी ये मल्टीप्लायर ऐसे कहते हैं गुणक। गुणक ठीक है जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12, तो स्टूडेंट यहां 12 आ गया। तो ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, PRODUCT, PRODUCT, प्रोडक्ट माने गुणन गुणनफल। तो स्टूडेंट ये बातें याद रखनी है, जिस डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे उसे मल्टीप्लिकेंट यानी कि गुणनीय, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे उसे मल्टीप्लायर यानी कि गुणक, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल कहलाता है, ठीक है जी। तो इतनी बातें आपको पता चल गई। अब स्टूडेंट देख लेते हैं इसके बारे में और बातें, यानी कि इसकी कुछ विशेषताएं क्या है, यानी कि इसमें क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, टू नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, टू नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है, तो जैसे यही है 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना होगा 12,
तो स्टूडेंट हमने इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अब हम कह रहे हैं कि इसे हम कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ इधर 2 कर दें इधर 6 कर दें तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा आंसर आएगा गुणनफल आएगा वो फिर भी 12 ही होगा। तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, कोई भी दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर उन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपने उनके प्लेस चेंज कर दिए, उनके स्थान आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो स्टूडेंट तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही है ना स्टूडेंट, और आप मान लीजिए 6 का टेबल किसी कारणवश भूल गए, आपसे नहीं आता 6 का टेबल, ठीक है जी, आप भूल गए, आता तो था लेकिन याद नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, आप 8 का टेबल 6 टाइम पढ़ लीजिए। अगर आपके 8 का ये टेबल याद है तो आप 8 का टेबल 6 टाइम रीड कर लीजिए, 8 6 48, ओके स्टूडेंट। या आपने ऊपर ये लिख दिया नीचे ये लिख दिया तो 6 8 48, ओके स्टूडेंट। ये स्टूडेंट देखिए जो हमने अभी कहा था आपको, जो मल्टीप्लाई होती है वो रिपीटेड एडिशन होती है, कहा था ना, तो कैसे होती है, अगर आप 8 को 6 बार प्लस कर देंगे भाई मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करना आप भूल गए, याद नहीं रहा आप कैसे मल्टीप्लाई करें, और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ऑप्शन है और आप उसमें आपको आंसर देना है, मात्र आंसर आना चाहिए मेथड कुछ भी हो, तो स्टूडेंट आप 8 को 6 बार प्लस कर देंगे। देखिए 8 कितने हो गए, 16 है जी, 16 और 8 कितने हो गए 24, और 8 कितने हो गए 32, और 8 कितने हो गए 40, और 8 कितने हो गए 48, 40 और प्लस 8 इज इक्वल टू 48, तो आ गया जी। तो इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लाई इज ए रिपीटेड एडिशन, है ना। वो एक एग्जांपल और देता है, चलो आपको अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं है? तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 5 3 जा 15 है ना, या 3 5 जा 15 है ना। तो स्टूडेंट आप अगर इसे ऐसे नहीं करते, रिपीटेड एडिशन में करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट या तो आप 5 को 3 टाइम ऐड कर लीजिए या 3 को 5 टाइम ऐड कर लीजिए, दोनों तरीके से दिखाते हैं। देखो अगर हम 3 को कर रहे हैं तो हम इसे 5 टाइम ऐड करेंगे, थ्री थ्री सिक्स और 3 9 और 3 12 और 3 15 आ गए ना। तो स्टूडेंट अब हम 5 को 3 टाइम करेंगे, 5 प्लस 5 5 5 10 और 5 15, तो देखो स्टूडेंट ऐसे ही मल्टीप्लाई होती है। तो जो मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारी बिल्कुल सही है, जो मल्टी गुना है वो रिपीटेड एडिशन है ना, किसी एक ग्रुप को बार बार ऐड करके जोड़ देना, ठीक है जी। तो ये प्रूफ हो चुका है, जैसे हमने ऊपर भी आपको समझा दिया नीचे भी समझा दिया है ना। तो आप इस अब तक क्या समझ चुके हैं, आप डेफिनेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन समझ चुके हैं, मल्टीप्लाई की डेफिनेशन समझ चुके हैं, तो भाई मल्टीप्लिकेंट क्या होता है ये समझ चुके हैं आप, मल्टीप्लायर क्या होता है ये समझ चुके हैं, और प्रोडक्ट इज स्टूडेंट जो आंसर होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जब गुना करते हैं ना तो जो गुणनफल आता है वही प्रोडक्ट बोला जाता है ना। तो स्टूडेंट ये बातें आपको क्लियर होगी होंगी अब, ठीक है जी। तो हम आपको बता रहे थे जो
अगर कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दो नंबर की, तो हम कोई से नंबर को कोई से भी प्लेस पर लिखकर उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे कर लीजिए। तो एक तो ये होगा स्टूडेंट, अगर दो से ज़्यादा नंबर है ना, अगर कोई भी दो से ज़्यादा नंबर है दूसरी प्रॉपर्टी, या मान लीजिए थ्री नंबर है स्टूडेंट, ये थ्री नंबर है ना, तो स्टूडेंट इन्हें आप ग्रुपिंग के तरीके से कर सकते हैं। देखिए थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फोर, तो स्टूडेंट या टू मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री, या स्टूडेंट थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई टू, है ना। अगर आप किसी भी मेथड से करी कीजिए तो इनका आंसर सबका एक ही आएगा, थ्री टू जा सिक्स है, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, टू फोर जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, है ना स्टूडेंट। तो हम दो को दो डिजिट को ब्रैकेट में ले लेंगे, एक को मल्टीप्लाई में रख लेंगे, लेकिन किसी भी तरह करें आंसर सबका एक ही आएगा, ठीक है जी। अगर आप इसे अलग से ऐसे भी कर लेते हैं तो थ्री टू जा सिक्स या टू थ्री जा सिक्स, तो स्टूडेंट सिक्स आ गया, अब सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर या फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, कैसे भी कीजिए आंसर एक ही आएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अगर ये तीन तीन के भी ग्रुप हैं या दो के ग्रुप हैं तो इन्हें आप ऐसे ऐसे तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है जी। अब तीसरा नंबर यानी कि जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या गुण है, क्या विशेषता है इसका, तीसरा नंबर द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगर कोई नंबर है उस नंबर की मल्टीप्लाई आप जीरो के साथ करते हैं, ठीक है, तो आंसर हमेशा स्टूडेंट जीरो ही आएगा, ठीक। तो देखते हैं कैसे आता है जी, तो ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट, इन्हें याद रखें आप। मान लीजिए आप फाइव है, फाइव की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, हाई ये कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर, ये नंबर होगा हमारा और ये जीरो हो गया, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारा जीरो ही आएगा, ये बता रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अगर वन जीरो का टेबल देखें तो स्टूडेंट जीरो का भी अपना टेबल होता है, कुछ बच्चे सोचते होंगे भाई जीरो का टेबल नहीं होता, जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो फोर जा जीरो, जीरो सिक्स जा जीरो, जीरो सेवन जा जीरो, जीरो एट जा जीरो, जीरो नाइन जा जीरो, जीरो टेन जा जीरो। कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम जीरो के साथ करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। तो स्टूडेंट देखिए अगर आप 25 की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं, फाइव जीरो जीरो और टू जीरो जीरो, तो जीरो ही आएगा। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसकी मल्टीप्लाई जीरो से है तो आप डायरेक्ट आंसर में जीरो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर जीरो की मल्टीप्लाई करनी है तो स्टूडेंट अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी संख्या ऊपर वाली जितनी भी होती है वे सब जीरो ही हो जाती है, इस बात को याद रखें। अगर आपने ये बात याद रख ली तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी।
मान लीजिए स्टूडेंट 30 मल्टीप्लाई 150 हाँ जी मल्टीप्लाई 0 और मल्टीप्लाई एंड 5। तो स्टूडेंट ऐसे अगर कोई मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और उसमें कहीं भी जीरो है, कहीं भी जीरो है स्टूडेंट, कहीं भी देखिए वैसे बड़ा क्वेश्चन है ना, अगर आप निकालेंगे फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन स्टूडेंट अगर कहीं भी एक जीरो है तो इन सब का आंसर बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं जीरो, ठीक है, क्योंकि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर जो जीरो हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 की ये भी जीरो हो जाएगा, फिर जीरो की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ये भी जीरो ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसलिए सबको जीरो ही हो जाता है, ठीक है, तो याद रखें अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो सबको अपने जैसा बना लेती है, जीरो ही कर देती है। ओके स्टूडेंट, अब 4 द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 1, कोई भी नंबर है स्टूडेंट अगर हम उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए 1 आंसर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इट्सेल्फ, तो आंसर हमेशा वही नंबर होगा जिस नंबर से हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आप 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं, है जी 5 1 5 जा 5, ठीक है जी, या 5 1 जा 5 कैसे ही कर लीजिए स्टूडेंट, तो अगर 1 के साथ ये नंबर था हमारा और ये हमारा 1 है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा हमेशा वही नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, ठीक है जी। मान लीजिए आप 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको याद है कि भाई 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आता है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप एकदम 25 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए ये डिजिट है आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप ऐसे करेंगे 19 जा 9 18 जा 8 तो टाइम भी आपका वेस्ट जाएगा, और आपको ये पता है कि भाई 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला जो भी नंबर होता है वो सेम आता है, तो आप ऊपर से देख के एकदम सेम नंबर लिख देंगे, ठीक है जी। देखो कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यही नंबर आंसर होगा, वही प्रोडक्ट होगा जिस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट कभी कभी होता है कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो फिर भी 0 0 ही लिख देते हैं, है ना, वे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा और 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, तो आप ध्यान रखें अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा जिसे 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है जी। तो आपको जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो समझ में आ गई स्टूडेंट। एक छोटी सी और रह गई बात, मान लीजिए कोई एक नंबर है 3+3 और यहाँ ये आ गया, तो स्टूडेंट पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 5 और 3 8 होता है, और जहाँ भी कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, याद रखें, तो क्या आगा 8 3 जा 24 या 3 8 जा 24। स्टूडेंट इसका मतलब होता है, देखिए आप इन्हें अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9 और जी 3 5 जा 15 और 15 प्लस 9 कितने हो जाएंगे जी 24 हो जाएंगे, तो यही आंसर आएगा, ये एक प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट ब्रैकेट से पहले कोई मल्टीप्लाई है तो वह इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, फिर इसके साथ प्लस होगा,
ठीक है। यस स्टूडेंट, आप इन्हें दोनों को प्लस कर लीजिए बाद पहले और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपको याद रहनी चाहिए। ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है जी। अब हम लेते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, कैसे करते हैं? 10 से। 10 का मतलब क्या है स्टूडेंट यहाँ? यानी कि 1 के साथ में जब 0 आती है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करना। 10 क्या होती है हम देख लेते हैं स्टूडेंट। 10 होता क्या है? 10 का मतलब 1 के साथ में 10, तो स्टूडेंट 10 हो जाएगा। 1 के साथ में 20 तो 100 हो जाएगा, और 1 के साथ में 30 1000 हो जाएगा। 1 के साथ में 40 तो 10,000 हो जाएगा। 1 के साथ में 50 तो लाख हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे मल्टी, अगर कोई भी मल्टीप्लाई करने को आता है, कोई भी नंबर दिया गया है आपको और उसे आप 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ है ना, 1 और 0 ही होनी चाहिए। याद रखे क्या होना चाहिए? 1 और 0 होनी चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। नहीं तो मल्टीप्लाई करना तो अभी हमने आपको समझाया ही नहीं, अभी तो हम इसके बारे में ही बता रहे हैं। तो स्टूडेंट आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए 2 × 10 दे दिया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये एक नंबर है, इस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप आंसर में वो नंबर लिखिए, चाहे वो कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है। 1 digit है, 2 digit है, 3 digit है, 5 digit है, 10 digit है, कोई भी डिजिट है, उस नंबर को आंसर में सेम का सेम लिख दीजिए। और जिससे आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 10, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे 20, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे 30। कहने का मतलब है स्टूडेंट, जितनी जीरो बाद में मल्टीप्लाई में है उतनी जीरो आप यहाँ ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ गया, है ना। अगर आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे स्टूडेंट, तो 2 2 0 है स्टूडेंट, 2 0 लगा दी। अब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 और ये 3 0 है स्टूडेंट, यहाँ 3 0 लगा दी। देखिए कुछ भी सोचना समझना नहीं है आपको, बस क्या देखना, जितनी जीरो है आंसर में उतनी जीरो लगानी जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके आगे, ठीक है। मान लीजिए और थोड़ा सा हार्ड सा लिखते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट ये वाली डिजिट है ना। देखिए आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, है मान लीजिए ये है, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। देखिए एक सेकंड में क्वेश्चन होगा, एक सेकंड में, ठीक है। हमने क्या बताया, जिस भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस नंबर को लिख दीजिए, लिख दिया सेम का सेम नंबर लिख दिया स्टूडेंट। अब कितने जीरो हैं? 4, तो 40 यहाँ ऐड कर दीजिए और यही आंसर है आपका, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ से 10 कम होती तो यहाँ भी 10 कम हो जाती, अगर यहाँ आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ भी 10 कम हो जाती, अगर स्टूडेंट आप यहाँ भी 10 कम होती तो यहाँ भी 10 कम हो जाती, अगर यहाँ भी 10 ना होती तो स्टूडेंट यहाँ भी 10 कम हो जाती, अगर 1 से करते तो सेम का सेम यही आंसर आ जाता, है ना। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो स्टूडेंट यहाँ भी 10 आ जाएगी, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे 10 यहाँ बढ़ रहे तो 10 यहाँ बढ़ जाएगी, अगर आप 1000 से कर रहे यहाँ 30 है तो स्टूडेंट 30 यहाँ हो जाएगी, अगर 10 हो रहा है यहाँ 10 और हो जाएंगे। जितने जीरो आप यहाँ मल्टीप्लाई में ले रहे हैं तो उतनी जीरो आपको प्रोडक्ट में आंसर में दिखानी होगी। तो देखो ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये बहुत आसान है, तो सारे मल्टीप्लाई आपकी बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर आपके ये बात याद है तो,
और नहीं आया भूल गए तो फिर गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए यह डिजिट है, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको याद है कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की सब संख्याएं 0 हो जाएगी, ठीक है जी। और पहली डिजिट के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, अगर सेकंड मल्टीप्लाई भी कर रहे और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ऊपर जो भी डिजिट है वे भी सेम की सेम आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है, तो ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे करने के लिए मल्टीप्लाई देखिए हमें पहले 1 2 3 स्टेप करने पड़े, और इनमें भी तीन तीन स्टेप हो रहे हैं, एक में इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। आप यहाँ क्रॉस भूल गए किसी कारण, फिर भी गलत हो जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट ऐसे करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं तो आपको पता है जो भी नंबर है वो सेम का सेम लिखा जाएगा, है ना। अरे 1 0 है तो स्टूडेंट 1 0 यहाँ लगा दी, तो देखिए हो गया ना आसान। तो इसमें इतने स्टेप, और इसमें आंसर की गारंटी है कि ठीक ही होगा, इसमें गलत होने की संभावना है ना। तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं, 1 0 वाले क्वेश्चन को, ठीक है जी। अब एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है अब ये है जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप अगर आप इसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर में हमेशा जो भी नंबर है जो 0 होगी वो हमेशा 1s की साइड होंगी स्टूडेंट, 1s 10 से जुड़ी हुई होगी, है ना। तो 2 0 स्टूडेंट ये हैं, 2 ही हैं, और तो पहले ये 3 है, ये 5 है, 3 5 15, तो हम यहाँ 15 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट 2 0 इसकी है ये लगा देंगे, और 2 0 इसकी है ये लगा देंगे। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए, है ना स्टूडेंट। अगर यहाँ 1 0 कम होती तो यहाँ भी 1 0 कम हो जाती, अगर यहाँ 1 0 कम होती यहाँ भी 1 0 कम होती। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ भी 1 0 कम होती तो यहाँ भी 1 0 कम हो जाती, और स्टूडेंट अगर यहाँ पे भी कोई 0 ना होती यहाँ भी ना होता तो 15 ही आंसर आ जाता, है ना। तो समझ में आ रहा आपको, तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आपको 10, 100 और 1000, 10,000 lakh इनसे मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। 1 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई करना आपको, है ना, उस नंबर को आंसर में लिख के, और जिससे जो भी मल्टीप्लायर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है नी गुणक से, तो स्टूडेंट उसकी जिसमें जितनी 0 होगी वो उसके आगे लिख देनी है, बस आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट, अब ये तो थी कुछ इसकी विशेषताएं, डेफिनेशंस। अब हम ये देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है। तो स्टूडेंट सबसे ज़रूरी है मल्टीप्लाई करने के लिए हमसे काउंटिंग आनी चाहिए, है ना। तो क्या आनी चाहिए जी, काउंटिंग आनी चाहिए। कहाँ तक की काउंटिंग आनी चाहिए स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो 90 तक की काउंटिंग आनी चाहिए, वैसे 100 तक की काउंटिंग सबसे आती होगी, ठीक है जी। तो 100 तक की काउंटिंग अगर आपसे आती है, है ना, तो स्टूडेंट आप सभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो। तो स्टूडेंट हम काउंटिंग क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम पे टेबल आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, है ना स्टूडेंट। हमसे 0 का भी आना चाहिए, 1 का भी टेबल आना चाहिए। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपको किसी कोई एक क्वेश्चन है ना, मान लीजिए कोई एक टेबल दे दी, वो दे दिया गया क्वेश्चन, हम छोटा ही लेते हैं कम स्टैंडर्ड का, मान लीजिए ये 24 है,
अरे स्टूडेंट आपको इसे थ्री से मल्टीप्लाई करना, छोटी क्लास से मान के चलिए भाई, थर्ड या फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। आप थ्री का जो टेबल है वो भूल गए, मान लीजिए आपने थ्री का टेबल याद किया और थ्री का टेबल आप भूल गए, आपसे आता नहीं है ना, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं ना, कभी कभी नहीं मोस्टली भूल जाते हैं, है ना, 50% ऐसे होते हैं जो याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं, ठीक है जी, 50% ही ऐसे होते हैं जो अच्छी प्रकार याद रख पाते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये मल्टीप्लाई करना है, आपको टेबल भी नहीं आता है ना, तो आपसे काउंटिंग आती है, क्या आती है, काउंटिंग आती है स्टूडेंट आपसे, और 100 तक की काउंटिंग आपके बहुत अच्छी तरह याद है, तो हम आपको टेबल बनाना सिखा रहे हैं, है ना, टेबल कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट जो भी आपको टेबल बनाना है, देखिए जो मेथड हम आपको बताना चाह रहे हैं, इस मेथड से स्टूडेंट टू से लेके टेन तक के सभी टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है जी। वैसे तो इससे कोई भी टेबल बनाया जा सकता है, जो भी चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन हमने 100 तक की काउंटिंग की बात की है, तो इसलिए हम सिर्फ 10 तक के टेबल की ही बात करेंगे। अगर आप उससे 10 तक के बनाने आ गए तो स्टूडेंट और भी टेबल आ जाएंगे। वैसे स्टूडेंट हमने 1 table 3 मेथड की वीडियो बना रखी है, करीब 7-8 वीडियो है जो हमारे, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं कि टेबल कैसे बनाएं, एक टेबल को 3 मेथड से कैसे बनाएं, हैं जी, तो उसमें लिखा हुआ है कि बाय काउंटिंग, बाय ऐड और बाय मैजिक, 3 तरीके से स्टूडेंट हमने टेबल बनाने सिखा रखे हैं, जो वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर टेबल बनाने वाली वे वीडियो देख सकते हैं। वैसे कुछ हम अगर आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ पर देख लीजिए, वरना स्टूडेंट हम यहाँ भी आपको थोड़ा सा सिखा रहे हैं, है ना, बाय काउंटिंग, है ना, टेबल काउंटिंग के द्वारा कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट जैसे हमें 3 का टेबल लिखना है या कोई भी टेबल बनाना 9 तक, तो हमें उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे अब हमें 3 का आवश्यकता है तो हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे जी, और यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है जी। अब 3 से आगे काउंट करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। स्टूडेंट जो ये टेबल है, अगर ये कहीं गलत हो गया, मान लीजिए आपसे कोई चीज़ छूट गई, है ना भाई, यहाँ आपने कोई नंबर मिस कर दिया भूलवश, छोटे बच्चे हैं होते हैं मिस कर देते हैं, तो स्टूडेंट ये टेबल आपको स्वयं बता देगा, क्या बता देगा कि भाई मैं गलत हूँ, है ना। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, टेंजा, है ना। देखिए टेंजा कैसे पता चलता है, कोई भी डिजिट हो, जो भी टेबल बना रहे आप उसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, 3 का बना रहे तो उसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, तो ये 30 होगा, तो स्टूडेंट हमेशा टेंजा 30 होगा, 4 का बना रहे तो 40 होगा, 5 का बना रहे तो 50 होगा, 6 का बना रहे 60 होगा, 9 का बना रहे तो 9 का अगर एक जीरो लगाएंगे तो 90 होगा। तो स्टूडेंट आपको पहले 2 टेबल पता है, क्या पता है, एक वंजा पता है आपको, एक टेंजा पता है। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ टेंजा लिख देंगे, है ना, तो ये टेंजा बना पाना चाहिए, है ना। अगर ये टेंजा अपने आप आ गया ऐसे ही मल्टीप्लाई ऐसे ऐड करते करते, तो स्टूडेंट आपका टेबल सही है, अदरवाइज अगर 30 नहीं आता 3 के टेबल में टेंजा पे, तो ये गलत है। तो स्टूडेंट 18 और था 19, 20, 21, 22, 23, 24 अब जी 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो स्टूडेंट आ गया ना अपना 30। अगर किसी का यहाँ पे 30 नहीं आता तो ये टेबल आपको आपसे कह रहा है कि आपने कोई लाइन गलत कर दी, मिस कर दी, तो ये गलत है। तो स्टूडेंट आप इस प्रकार कोई भी टेबल बना सकते हैं, 9 तक का कोई भी टेबल आप बना सकते हैं।
ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हमसे टेबल आ गया, हमने बराबर में लिख लिया मल्टीप्लाई करने के लिए। आपको बताएं कोई कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, कितनी भी बड़ी है, कितनी भी डिजिट की है, ऊपर भी और नीचे भी, कितनी भी डिजिट की है, वे सारी मल्टीप्लाई सिर्फ एक, आपको 9 तक टेबल याद करने होते हैं, 9 से आगे किसी भी मल्टीप्लाई को किसी टेबल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। 0 से लेके 9 तक के टेबल याद होने चाहिए बस, और कोई भी टेबल आपको याद ना हो, चाहे वो 6 क्लास की मल्टीप्लाई हो, 8 क्लास की हो, 5th की हो, 4th की हो, और कितनी भी डिजिट की हो, तो सब के लिए आपको सिर्फ 9 तक के टेबल ही याद करने हैं, ठीक है। और सारे की सारी मल्टीप्लाई आपकी बड़ी आसानी से हो जाएंगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, आप देखिए ये 3 है स्टूडेंट, हमने 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ना, 1 2 3 4, तो 3 4 जो कितने हो गए स्टूडेंट, 12 हो गए, तो ये 12 है। तो जो वंस पे है, अगर डबल डिजिट आती है स्टूडेंट, जो वंस वाली डिजिट होती है उसे तो यहाँ पे लिखते हैं, और जो 10 वाली डिजिट होती है वो नेक्स्ट डिजिट के लिए कैरी के लिए चली जाती है, 1 बचा 1 कैरी के लिए चला गया, अगर यहाँ 2 बचता तो 2 कैरी के लिए जाता, ऐसा नहीं कि हमेशा 1 ही जाएगा, अगर 24 आएगा 4 लिख दे तो आप, ऐसा नहीं होने का उसका भी 1 कैरी जाएगा तो 2 ही जाएगा, है ना। अब 3 का टेबल 2 टाइम पढ़िए, 1 2 कितने हो गए, 6 और 1 ये स्टूडेंट ये रहा, 6 और 1 7, पहले टेबल अप्लाई करेंगे उसके बाद में ऐड करेंगे जो कैरी होगा। तो स्टूडेंट ये आ गया। तो इस प्रकार आप कोई भी टेबल बना सकते हैं, आप कोई भी टेबल बना सकते हैं, उस टेबल को लिख भी सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने कहा था कि आपको 9 तक की टेबल है कर याद होने चाहिए स्टूडेंट, और आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि आपको 23 से मल्टीप्लाई दे दी, कोई एक नंबर दे दिया, भाई सर 23 से मल्टीप्लाई करो। अब आप कहने लगो तो सर हम कैसे करेंगे, हमारे तो 9 तक के ही टेबल याद है, जब हमने आपने 9 तक ही सिखाए तो हम 23 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आप स्टूडेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए ये एक डिजिट है, इसे आप 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट 3 का टेबल आपसे ये बनाना आ गया, आपने 3 का टेबल बना लिया, आप एक मिनट के लिए 2 को भूल जाए कि यहाँ 2 है, मान लीजिए यहाँ 3 है, हैं? अब 3 का टेबल आपने ये बना लिया, 3 5 15 15 का 5 यहाँ रह गया और 1 कैरी के लिए चला गया। स्टूडेंट कभी भी डबल डिजिट नहीं लिखते, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, 1, तो हम 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, जितनी डिजिट ऊपर लिखे होते हैं उतने टाइम हम ये टेबल पढ़ते हैं जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो उनके जो हमारा मल्टीप्लायर होता है। तो स्टूडेंट हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 3 1 3 और कैरी 1 है तो कितने हो गए, 4 और 3 1 3। तो स्टूडेंट हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे 23 से, अब इसके नीचे एक क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमने एक क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, अब मान लीजिए यहाँ 3 नहीं है, है ना, यहाँ 3 नहीं है, अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, अब 2 का टेबल भी नहीं आता आपसे। तो स्टूडेंट देखिए अभी हमने आपको, आप चाहे तो काउंटिंग के द्वारा 2 का टेबल बना सकते हैं, है ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा आप मल्टीप्लाई कर वो ऐड करके टेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते, आपको आपको डाउट है कि भाई मेरे से काउंटिंग नहीं आती, है ना भाई, मान लीजिए आपने सोच लिया कि भाई काउंटिंग याद तो की थी लेकिन अब तो भूल गए, बहुत दिन हो लिए, 3-4 साल हो गए भाई हमें तो काउंटिंग याद करें, है ना, तो फिर आप क्या करें अगर काउंटिंग याद नहीं है। तो स्टूडेंट एक सेकेंड मेथड है, उस मेथड का नाम है टेबल बाई ऐड, है ना, ऐड के द्वारा टेबल बनाने, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ऐड के लिए कैसे बनाएंगे, जैसे 2 प्लस 2, जो भी टेबल बनाना चाहेंगे आप स्टूडेंट, उस वही टेबल बार बार ऐड होगा, 2 2 4, अब जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे,
फिर बार बार जो टेबल बना रहे हैं वही ऐड करेंगे, सिक्स हो जाएगा। अब सिक्स यहाँ आ गया प्लस टू, एट हो गया तो ये स्टूडेंट एट आ गया प्लस टू, टेन हो गया टेन प्लस टू, ट्वेल्व हो गया जी। अब ट्वेल्व प्लस टू, फोर्टीन हो गया फोर्टीन प्लस टू, सिक्सटीन हो गया अब जी सिक्सटीन प्लस टू, एटीन हो गया और एटीन प्लस टू तो स्टूडेंट ट्वेंटी हो गया, है ना। तो इस प्रकार आप ये टेबल बना लीजिए। तो स्टूडेंट अगर कोई आप न इस मेथड से भाई जो काउंटिंग मेथड बताया था उससे तो हमने सिर्फ आपको सिर्फ नाइन तक के टेबल बताए थे कि आप इस तरह कर लीजिए, लेकिन स्टूडेंट जो ऐड का है, ऐड का मेथड है, इसके द्वारा आप कोई भी टेबल बना सकते हैं, कितना भी बड़ा बना सकते हैं। आप 305 का टेबल बना सकते हैं, आप 420 का टेबल बना सकते हैं बाई ऐड के द्वारा। जो भी नंबर बनाएंगे स्टूडेंट वो यहाँ नीचे ऐड में ही चलता रहेगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा उस आंसर में ही हम अगली जो टेबल होगा उसे ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 2, 5 × 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20 पूरा हो गया। स्टूडेंट अगर इसमें भी आप गलती करते हैं कहीं तो ये टेबल भी आपको बता देगा, क्योंकि आपको टेंजर सबका पता। अगर टेंजर नहीं आता, 20 नहीं आता बाद में, तो आपने कहीं ना कहीं पीछे मिस्टेक कर दी, तो आप उसे दोबारा चेक कीजिए, ठीक है जी। अब आप 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 2 का टेबल 5 टाइम कितना होगा जी, 10, 10 की 0 कैरी 1। अब 2 × 2 और 1 = 3 और जी 2 × 2। अब इन्हें दोनों को ऐड करेंगे, जो दोनों लाइन के बीच में डिजिट आएंगी, नंबर आएंगे स्टूडेंट, उन्हें ऐड करना है। 5 का 5 4 और 0 = 4, 3 × 3 = 6 और 2, तो यह आंसर आ गया, ओके स्टूडेंट। और यहाँ 3 था तो ये 3 भी रहने को यहाँ, है ना। तो आपन को हमने 9 तक टेबल याद कराए थे, तो लेकिन स्टूडेंट हर बार आपको सिर्फ सिंगल डिजिट से ही मल्टीप्लाई करनी होती है, चाहे यहाँ कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, है ना। मान लीजिए स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन मिल गया, है ना, तो आप क्या लेंगे सर कैसे करें, तो आप पहले 7 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पूरी थोड़ी ही कर रहे हैं एक साथ, पहले आप 7 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे, तो आपको कितने टेबल की आवश्यकता हुई, 7 की हुई, 9 की हुई, 8 की हुई, वो सब आपको यहाँ से बना लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई है उन सब को करने के लिए सिर्फ 9 तक के टेबल ही याद होने चाहिए, ठीक है जी। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट बात जो है वो हमारी थी जी, हमने आपको कहा था इसमें कि हम आपको ये बताएंगे कि मल्टीप्लाई में क्रॉस क्यों लगाते हैं, ये वाले क्रॉस क्यों लगाते हैं और कहाँ से आते हैं ये क्रॉस, तो ये बताना है, है ना। तो स्टूडेंट चलो देखते हैं कि आप क्रॉस क्यों लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट जो अगर सिंगल डिजिट से है तो क्रॉस की आवश्यकता ही नहीं होती, अगर डबल डिजिट है ट्रिपल है तो स्टूडेंट क्रॉस की आवश्यकता होती है। तो हमें एक क्वेश्चन लेना होगा, तो स्टूडेंट मान लीजिए ये क्वेश्चन है ना, तो आपको बताया पहली डिजिट 0 है, अगर किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी जो डिजिट है स्टूडेंट जो नंबर है वे 0 हो जाएंगे। अगर 0 का टेबल हम 6 टाइम पढ़े तो 0 ही आएगा, 0 6 = 0।
अब फोर का जीरो का टेबल हम फोर टाइम पढ़ेंगे तो भी जीरो ही आएगा स्टूडेंट। टू का टेबल, जीरो का टेबल टू टाइम पढ़ेंगे फिर भी जीरो ही आएगा, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ क्रॉस आ गया, तो ये क्रॉस कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों लगाते हैं हम ये क्रॉस, तो ये बताना था। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारी डिजिट है 110 या कोई भी डिजिट हो, है ना, तो स्टूडेंट हम इसे सबसे पहले एक्सपेंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमने एक्सपेंड कर ली, तो ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, तो स्टूडेंट 10 ही तो है ना, है ना। और ये 100 प्लेस पे है, 110, तो ये 200 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने 2, 4, 6 की मल्टीप्लाई करी जीरो के साथ, तो 0, 0, 0 ये आ गया। अब स्टूडेंट 2, 4 इसकी मल्टीप्लाई करी 10 के साथ, तो स्टूडेंट अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने आपको बता रखा था स्टूडेंट कोई भी नंबर यहाँ लिखो और उसका आगे जितनी जीरो वो लगा दीजिए, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपने 4, 6 की इसकी मल्टीप्लाई करी कहीं के साथ में, 200 के साथ में, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इन दो जीरो को छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2, 6, 12 कैरी 1, 2, 4, 8 और 1, 9 और जी 2, 2, 4 अब ये दो जीरो है स्टूडेंट यहाँ ऐड कर दीजिए, है ना। अब आप इसे लिखिए भाई, मल्टीप्लाई करके 1 के साथ मल्टीप्लाई करी, अच्छा ये रहा, तो स्टूडेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई करी ये आ गया। अब 10 से मल्टीप्लाई करी, कहाँ है जी, ये रहा 0, 6, 4, 2 ये आ गया। अब स्टूडेंट हमने 200 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 0, 0, 2, 9, 4 तो बताइए स्टूडेंट कहाँ जरूरत पड़ी इसमें क्रॉस लगाने की, 0, 6, 6, 9 और 2 कितने हो गए जी, 11 और 5 तो ये आ गया। अब स्टूडेंट हम इसे आपको ऐसे भी करके दिखाएंगे, तो स्टूडेंट सभी जीरो हो गई, अब यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया, अब वन से करेंगे 6, 4, 2 आ गया जी। अब 2 क्रॉस लगाएंगे, हर बार एक क्रॉस ऐड होता हुआ चला जाएगा, 2, 6, 12 कैरी 1, 2, 4, 8 और 1, 9 और 2, 2, 2, 4 अब ऐड कर लीजिए 0, 6, 6, 5 तो स्टूडेंट दोनों के आंसर मैच कीजिए, है ना, दोनों के आंसर मैच कीजिए कि भाई सही है गलत है, इसमें तो हमने क्रॉस नहीं लगाई। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, हम इसे इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसके लिए जीरो लगाते हैं, जो क्रॉस का मतलब होता है कि कोई संख्या नहीं है, क्रॉस है, जीरो है, तो हम इन जीरो की जगह यहाँ पे क्रॉस को ऐड कर देते हैं। तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि भाई ये क्रॉस कहाँ से आते हैं, ये जीरो के होते हैं जो कि प्लेस वैल्यू के लगे होते हैं, ये रहे स्टूडेंट, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है जिसकी हम मल्टीप्लाई नहीं करते शॉर्ट में करने के लिए। तो स्टूडेंट आप जान चुके होंगे कि भाई जो ये मल्टीप्लाई के चिन्ह आते हैं हम इन्हें क्यों लगाते हैं और ये कहाँ से आते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये जो कुछ बातें थी, इनके लिए सबसे ज़रूरी टेबल होते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के लिए, वे आपको आने चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी आपको आनी चाहिए स्टूडेंट। और क्रॉस क्यों लगाते हैं ये एक जनरल नॉलेज की बात है स्टूडेंट, वो भी आपको पता चल गई, है ना। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आज
इतना ही कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है जी। और आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे आप अच्छा समझते हैं इसके विषय में, इस वीडियो के विषय में, तो आप नीचे कमेंट करें स्टूडेंट आपकी क्या राय है, ठीक है जी। अगर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।